शक्ति स्वाध्याय चिंतन का हमारा क्रमांक है टू एट नाइन और आज हमारे बीच में हैं डॉक्टर प्रोफेसर डॉक्टर आर के काला साहब और आपका जो विषय है वो है प्रेम अनिवर्चनीय है लव इज अनिटेबल अब हम निवेदन करेंगे आदरणीय अश्विनी कुमार साहब से कि दो आदरणीय आर के काला साहब पेशन होते है, हैं आदरणीय अश्विनी कुमार साहब सबको बहुत बहुत प्रणाम नमस्कार ये मेरा सौभाग्य है अरविंद जी ने मुझे आज फिर एक अवसर दिया है आप सबको श्री कालरा जी के विषय में कुछ बातें बताने के लिए आप सब जानते ही हैं कि कालरा जी हमारे कईयों के गुरु जी रह चुके हैं और वैसे भी बहुत लर्नेड हैं तो ये स्वाध्याय और चिंतन के टू एट नाइन में क्रमांक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और कालरा जी के विषय में कुछ बताने से यही होगा जैसे सूर्य को दिया दिखाना कालरा जी हमारे बीच में कबीर दास के बारे में कितने ही प्रवचन दे चुके हैं पर आज उनका विषय है लव इज अनप्टेबल प्रेम अनिवर्चनीय है ये अरविंद जी इतने कठिन शब्द डाल देते हैं कई बार बोलने में भी टंग ट्विस्टिंग होता है चलो अब कालरा जी का उद्घोष प्रारंभ होगा मैं आप लोगों का और समय न लेते हुए श्री कालरा जी से अनुरोध करता हूँ कि तो अपना उद्घोष प्रारंभ करें और हम उसका आनंद लें बहुत बहुत धन्यवाद श्री कालराज जी धन्यवाद अश्विनी कुमार जी श्री अरविंद शर्मा जी और समस्त पुण्यात्माओं को मेरा नमस्कार आज विषय थोड़ा बदला है इससे पहले कबीर दर्शन के ग्यारह कक्षाएं हो चुकी हैं और बारहवीं कबीर एक मैनेजमेंट गुरु बड़ी अजीब सी बात लगती है क्योंकि कबीर जो है स्वयं अनपढ़ थे उन्होंने स्वयं माना कि मैंने कलम दुआ तो छेड़ी नहीं आज तक तो वो मैनेजमेंट गुरु उनके दोहे जो हैं वो मैनेजमेंट गुरु कैसे इफेक्ट कर सकते हैं उसका एक विषय रह गया हुआ है और एक आज के युग में कबीर की प्रासंगिकता क्या है रेलिवेंस क्या है एक इस पर रह गया है और आज हमने विषय बदला है क्योंकि लगातार ग्यारह बार उसे सुनते सुनते कुछ लगता था थोड़ा सा परिवर्तन आज परिवर्तित किया है मैंने आज का विषय है प्रेम अनिर्वचनीय है अनिर्वचनीय यानी अनप्रटेबल प्रेम अवरणीय वर्णीय है प्रेम निरूपण के योग्य नहीं है निरूपण से परे है तो प्रेम जो है वो संसार का सबसे लवली शब्द है प्रेम का मतलब प्यार होता है लव होता है और कहा जाता है प्रेम ही भगवान है लव इज गॉड प्रेम भगवान है लव इज गॉड तो प्रेम को दो अर्थों प्रयोग किया जा सकता है नंबर एक संसारी प्रेम नंबर दो आध्यात्मिक प्रेम तो संसारी प्रेम को पहले हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सा उसके बाद अपने ऐसे ही विषय पर आ जाएंगे आध्यात्मिक प्रेम तो संसारी प्रेम संसार का सबसे महत्वपूर्ण शब्द है क्योंकि पूरा संसार प्रेम पर टिका है अगर प्रेम का अभाव हो जाता है तो संसार चलना कठिन हो जाएगा लेकिन लव शब्द में चार अक्षर हैं एल ओ वी जरा ये ये यंश किसके लिए हैं? एल का मतलब है लेक ऑफ सॉरोज ओ का मतलब है ओशन ऑफ टीयर्स वी स्टैंड फॉर वैली ऑफ डेथ एंड ई फॉर एनिमिटी अनलिमिटेड तो पहला है लव ऑफ सॉरोज संसारी प्रेम जो है दुखों का दुखों का झील दुखों की झील है दुखों का घर है कारण यह है कि संसारी प्रेम जो है वो मोह है संसारी प्रेम में जो आकर्षण है उसके पीछे केवल स्वार्थ ही स्वार्थ है केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति है केवल कामना है और जब तक स्वार्थ पूरा होता है तब तक सारे संबंध हैं कई दफा हमने देखा है दोस्त का दोस्त के साथ पिता का बेटे के साथ बेटे का पिता के साथ भाई का बहन के साथ बहन का भाई के साथ क्लासमेट का क्लासमेट के साथ दुकानदार का ग्राहक के साथ यानी पीछे एक भावना होती है केवल लेना लेना ये, जो है, ये स्वार्थ है और संसारी चूंकि प्रेम स्वार्थ का आधार है स्वार्थ की वजह से आगे बढ़ता है इसलिए इसका परिणाम यह निकलता है कि कभी कभी तलाक हो जाता है कभी सुसाइड किया जाता है कभी मर्डर हो जाता है कभी दूरियां आगे आ जाती हैं प्रणाम यह होता है कि ये सारे सौरस जो हैं, सब दुख जो हैं, उन दुखों का आधार है संसारी प्रेम दूसरा है ओशन ऑफ टीयर्स इससे मिलता जुलता शब्द ओशन ऑफ टीयर्स बनता है तो आंसुओं का ये समुद्र है क्योंकि जो कि भी लोग दिखी देखे हैं उस दुख का कारण क्या है ये संसार है या तो संपत्ति खत्म हो गई है या रिश्ते खत्म हो गए हैं या समृद्धि ने उसको दिया है या मिला है निंदा मिली है क्रोध के कारण या किसी भी कारण से उसका व्यवहार ऐसा था कि उसको लगातार अब आंसू बहाने पड़ रहे हैं तो लव इज नथिंग बट पोर्स ऑफ टीयर्स एज पर सर्टन अथॉरिटीज इसके बाद है वैल्यू ऑफ डेथ मृत्यु का मृत्यु की घाती है ये है प्रेम के कारण ही कई दफा हमने देखा है संसार में अखबार पढ़ते हैं रोज के हालात हमारे सामने हैं कभी मर्डर होता है कभी सुसाइड होती है कभी सुसाइड का कमिटमेंट कमिट कोशिश होती है कमिट कमिट तो सुसाइड या कोर्ट में चला जाता है मामला ये एक दूसरे को लाठी डंडे चलते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डेथ है उसको लीड करता है प्रेम अगर प्रेम ना होता तो आपस में पहले मिलते ही नहीं और जब नहीं मिलते तो फिर प्रेम खराब भी ना होता झगड़े फराब भी ना होते तो वैल्यू ऑफ डेथ जो है प्रेम ई फॉर एनिमिटी अनलिमिटेड दुश्मनी शत्रुता का कई दफा कारण बनता है प्रेम प्रेम के नाते दोस्त से उधार ले लिया उधार चुकाया नहीं गया बार बार तकादे हुए अंत में कहा मेरे पास मत आना मैं तुम्हें उधार नहीं वापसी नहीं करूंगा ये तय बैंक से उधार ले लिया उसके बाद फिर बैंक और कस्टमर की एनिमिटी हो गई इसी तरह से रियल एस्टेट में पैसा लगाया वहाँ से वापस नहीं आया मकान भी नहीं मिला पजेशन नहीं मिला तो वहाँ पर एनीमेट तो एनिमिटी कई कारणों से कई ढंग से हो जाती है वो भी लव का ही परिणाम है तो लव एक ऐसा शब्द है जिसके अंदर जिसके अंदर बड़े बड़े वायदे कमिटमेंट्स किए जाते हैं खास करके हमने देखा है कि वैलेंटाइन डे जब आता है तो सांसे प्रेमी प्रेमिका से प्रेमिका प्रेमी से आपस में एक दूसरे के होने के लिए वादे करते हैं पर और कई दफा तो आजकल व्हाट्सएप पर भी प्रेम हो जाती एक एक लड़का लड़की ने फेक आईडी डी बना करके प्रेम किया और प्रेम लंबा लंबा चलता रहा अंत में दोनों ने ब्याह शादी करने का भी तय कर लिया और एक समय दिया गया कि फला पार्क में हम लोग आज मिलेंगे जब दोनों मिलने गए तो ताजिब हुआ दोनों सगे बहन भाई थे सगे बहन भर पर यह हुआ कि यह धोखा जो है यह संसारी प्रेम की वजह से हुई दूसरी बात ये जो लव के चारों मैंने अक्षरों का विश्लेषण किया है उसका आधार यह है कि संसारी प्रेम टिका है गुणों पर गुण है तो प्रेम है गुण नष्ट हो गए तो प्रेम खत्म हो गया, गया। गुण में धन है किसी का धनवान होना उसके प्रति प्रेम का आकर्षण बनता है किसी का सुंदर होना उसके प्रति प्रेम का आकर्षण बनता है किसी का बलवान होना उसके प्रति प्रेम का आकर्षण बनता है किसी का संपत्ति अधिक होना उसके प्रति लोग आकर्षित होते हैं किसी का बाहुबल ज्यादा होना उससे लोग उसके प्रति आकर्षित होते हैं किसी का अच्छी पोस्ट पर होना जिससे उसके मानने उसकी प्योर प्रेम करते हैं किसी का पढ़ाई में बहुत होशियार होना जिससे उसके क्लासमेट्स उसके साथ होते हैं इत्यादि इत्यादि है। तो कई जो है कारण वो सब है स्वार्थ स्वार्थी तो संसारी प्रेम जो है वो स्वार्थ ही है श्री कृपालू जी ने एक किताब लिखी राधा गोविंद गीत उसमें बताया कि प्रेम क्या है कामना भरी है दिल में गोविंद राधे प्रेम प्रेम मुख बोले धोखा बता दे कि प्रेम में कामना भरी हुई जब कामना भरी हुई है तो प्रणाम उसका निकल कर क्या आता है आपसी दुख आपसी बिछोड़ा एक दूसरे के प्रति अविश्वास अपने सुख की जब कामना भरी रहती है तो उसमें प्रेम ऐसा ही होता है फिर एक और आगे उसी किताब में लिखा है प्रेम शब्द सब बोले गोविंद राधे प्रेम शब्द सब बोले गोविंद राधे प्रेम अर्थ तो जाने विरला बता दे प्रेम प्रेम का नारा सभी लगाते हैं प्रेम प्रेम का स्लोगन सभी उठाते हैं गाते हैं लेकिन प्रेम का अर्थ कोई विरला ही जानता है कोई विरला समझता है प्रेम का मतलब क्या है प्रेम सच्चा जो होता है वो टिकता है बाकी नहीं टिक राम की प्रेम जो प्रेम की डींगे हाकते हैं वो कहा करते हैं आई लव यू यू आर माई यू आर माई यह होता है कि ऐसी सब बाते सब बातें जो हैं है है झूठ जब तक उसके में स्वार्थ त्याग की भावना नहीं आइए देखते हैं आध्यात्मिक प्रेम क्या होता है आध्यात्मिक प्रेम का बेशक हमारा अनुभव बहुत थोड़ा है क्योंकि हम संसार में रहते हैं इंद्रियों के सुख को ही आनंद मानना चाहते हैं इंद्रियों के सुख को ही प्रेम मान लेते हैं तो लेकिन जिस किसी अनुभवी ने अपना प्रेम बताया अपना बताया है रस क्या मिला है मुझे क्या अनुभव हुआ है उसके आधार पर यह तय कर सकते हैं कि आध्यात्मिक प्रेम क्या होता है शरीर की संसार की क्षण को देखते हुए या संसार के संयोग से नित्य वियोग होते हुए देखना क्योंकि संसार जो है संबंध जितने भी हैं रिश्ते नाते जितने भी हैं उन सब से हमारा लगातार पल पल वियोग हो रहा है और एक दिन ऐसा आएगा ये वियोग पूरा हो जाए उधर ईश्वर के साथ हमारा संयोग निरंतर है यानी इधर निरंतर वियोग है ईश्वर को निरंतर संयोग है कारण सहयोग का क्योंकि हम ईश्वर के अंश हैं जीव का अंश का अंशिक प्रति प्रेम स्वाभाविक है परिणाम यह होता है कि जब यह भावना मन में आ जाती है कि संसार का संसार का जो प्रेम है संसार का जो योग है वो निश्चित है और संसार का प्रेम जो है वो वो क्षण भंगुर है उस केस में क्या होता है जीव ईश्वर को मुड़ता है और जब ईश्वर कर मुड़ता है तो यह आध्यात्मिक प्रेम की शुरुआत है यह प्रेम में जैसे मैंने कहा स्वाभाविक है कारण कि जीव ईश्वर का अंश है और अंश अंशी की पानी जो है लगातार अपने अपने सोर्स की ओर बहता है नीचे चला जाता है ऐसी अग्नि अपने स्वभाव से ऊपर की उठती है तो परिणाम यह है कि हर अंश अपने अंशी से मिलना चाहता है और इस खिंचाव से इस खिंचाव से जो जो जीव आगे प्रभावित होता है जिसको अब तक संसारी मोह ने रोके रखा था आगे जब बढ़ता है तो उसको फिर पता लगता है कि आध्यात्मिक प्रेम क्या है यहां जरा सा हम दोनों में अंतर देख लेते हैं डिटेल में कि प्रेम में और संसारी प्रेम आध्यात्मिक प्रेम में और संसारी प्रेम में कितना अंतर है संसारिक प्रेम को मैंने यहाँ मोह के नाम से बंद किया है पहली बात यह है कि प्रेम अलौकिक है दिव्य है चिन्मय है जबकि मोह या संसारिक प्रेम लौकिक है या रिश्तों से है वस्तुओं से है घटनाओं से है संबंधों से है स्थितियों से है इत्यादि इत्यादि दूसरे प्रेम इष्ट के प्रति होता है जो हमारा इष्ट है उसके प्रति प्रेम होता है जबकि मोह संबंधों के प्रति व्यक्तियों के प्रति होता है तीसरे प्रेम प्रेम तब तक चलता है प्रेम प्रेम तर्कों पर आधारित है प्रेम तर्कों पर चलता है ये मन बुद्धि का विषय है यानी प्रेम प्रेम तर्कों पर नहीं चलता है। दिल पर चलता है जबकि मोह तर्कों पर चलता है मोह जो है संसारिक प्रेम जो है तर्क वितर्क पर बुद्धि पर कायम है जबकि प्रेम इससे परे है जो दिल का विषय है जो हृदय का विषय है क्योंकि हृदय जो है वो दयालु है करुणामय है परमात्मा का स्थान है जबकि तर्क वितर्क मन बुद्धि का विषय है और मन बुद्धि का विषय जो होता है वो संसारिक प्रेम है वो मोह है चौथे प्रेम मैं केवल देना ही देना है मेरे स्वामी को सुख पहुंचे मेरे स्वामी को सब तरह से आराम हो यह प्रेम होता है जबकि मोह में लेना लेना होता है लेना देना होता है मोह में स्वार्थ है लेना लेना व्यापार है लेना देना यह सब संसारिक रिश्ते हैं मोह में लेना देना है लेना लेना है और जबकि प्रेम केवल देना देना ही है प्रेम स्वतंत्र है प्रेम स्वतंत्र है जबकि मोह में लोभ प्रमुख तत्व होता है प्रेम जब ईश्वर से करता है कोई व्यक्ति तो स्वतंत्र रूप से होता है क्योंकि जो ज्ञानी है जिसने अपने को स्व में स्थित कर लिया अपने को स्वरूप में स्थित कर लिया स्वस्थ हो गया अपने में स्थित हो गया उसको उसके आगे फिर सुख नहीं मिलता बस वही तक का सुख है जो कि शांत है एक रस है अखंड है लेकिन स्वभाव से ईश्वर के प्रति आकर्षित होता है जीव आत्मा अपने अंशिक प्रति आकर्षित होती है उसको इसके आगे चाहिए और इसके आगे जो होता है वो है अनंत रस क्योंकि अखंड रस जो है अनंत रस में परिवर्तित हो जाता है जब जब वो ईश्वर से प्रेम होना शुरू हो जाता है तो प्रेम स्वतंत्र है इसको किसी तरह के आधार की जरूरत नहीं है ज्ञान के लिए कई सारी शर्तें हैं ज्ञान के लिए शम दम प्रतीक्षा उप्रति श्रद्धा समाधान इत्यादि खींचने चाहिए लेकिन प्रेम स्वतंत्र प्रेम में ऐसा कुछ नहीं कई से प्रेम स्टार्ट कर सकते हैं बेशक बेशक श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति बुरे से बुरा भी हो अगर मुझसे प्रेम करना शुरू कर देता है तो मैं वो मेरे को मेरा भक्त mm. हो जाता है इसमें कुछ नहीं प्रेम का हर जीव अधिकारी है प्रेम का हर जीव अधिकारी है जबकि मोह में संबंधों का होना जरूरी है जब संबंधी नहीं है तो किस चीज से मोह हो जाएगा लेकिन प्रेम जो है उसमें हर जीव अधिकारी है प्रेम कोई भी ईश्वर से कर सकता है उसमें कोई किसी का किसी चीज का शक्ता नहीं एक पॉइंट और है कि प्रेम निरंतर बढ़ता रहता है निरंतर वर्तमान रहता है और ये जो लगातार वर्तमान रहता बढ़ता रहता है यही यही आ निर्वाचनीयता का आधार है प्रेम है पर और बढ़े और बढ़े और बढ़े ये भूख हमेशा बनी रहती है प्रेम का मतलब होता है भूख जो इस लगातार बढ़ता रहे उसको हम कहते हैं वर्तमान प्रेम तो प्रेम जो है बढ़ता रहते हैं जबकि मोह संबंध समय आवश्यकता आयु परिस्थिति के आधार पर घटता रहता है एक दफा प्रेम हो गया वो उसकी अधिकतम सीमा है उसके बाद परिस्थिति बदली हालात बदले संबंधों में खटास आई प्रेम आधार मोह कम हो जाएगा प्रेम प्रेम की चिंता नहीं करता प्रणाम क्या होगा ईश्वर मुझे मोक्ष देंगे या किसी और योनि भेज देंगे ये सब प्रेम में नहीं देखा जाता प्रेम का आधार जो है प्रेम का परिणाम की कोई चिंता नहीं होती मुझे ईश्वर आज मिलेंगे सौ जन्मों के बाद मिलेंगे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे यानी प्रेम जो है स्वीकार भाव है पॉजिटिव रहना है कोई संत किसी पेड़ नीचे बैठे तपस्या करते थे तो एक आदमी मिला पूछने लगा तुम लगातार रोज ड्रिल करते हो फिजिकल ड्रिल तुम्हारी है ये तुम्हारा प्रेम है बोला ऐसा है महात्मा तुम जरा सा ऐसा करना तुम रोज प्रभु से जाकर के मिल के आते हो जरा पूछना के प्रभु वो फला पेड़ के नीचे जो व्यक्ति बैठा है पिछले कुछ पिछ वर्षों से उसको आप दर्शन देंगे कि नहीं देंगे वो चला गया बोला मैं पूछ के आता हूं मेरा प्रभु तक पहुंच है एक्सेसिबिलिटी है जब चला गया तो उसके कई दिन बाद जब लौटा तो उसने पूछा महात्मन बताइए प्रभु ने क्या जवाब दिया तो प्रभु ने कहा उस आदमी ने कहा सुनो सन्यासी प्रभु ने ये कहा कि इस पेड़ पर जितने पत्ते हैं जितने पत्ते हैं वो जब तक झड़ेंगे नहीं तब तक तुम्हें दर्श कर नहीं होगी इतने जन्म तुम्हारे लगेंगे वो नाच उठा अब नाचा तो वो बोला सन्यासी तुम नाचे क्यों मैं तो तुमको बताया है कि इतनी लंबी जन्मों बात तो बोले कोई बात नहीं इसका मतलब यह हुआ कि प्रभु मेरी भक्ति को देखता तो है अगर देखता है तो इसका मतलब मुझ पर कृपा भी चूंकि प्रेम जो है ये कमाई का सौदा नहीं है ये प्रेम का सौदा है ये प्रेम का प्रणाम है तो ये है कि प्रेम प्रणाम की चिंता नहीं करता जबकि मोह जो है प्रणाम पर आहवित है प्रणाम क्या होगा प्रेम संसारी बढ़ाने का इस पर मोह मोह कायम है प्रेम जैसे मैंने पहले का गुण जैसे बल धन संपत्ति मकान जायदाद रिश्ते बाहुबल इत्यादि से मुक्त है जबकि मोह का आकर्षण ये सब चीजें ही हैं। गुण विशेष जो है वो इसका आधार है प्रेम उसका मोह प्रेम दिल का विषय है जबकि मोह मन और बुद्धि का विषय है अंत में एक बात स्पष्ट कहूंगा कि प्रेम प्रेम तारता है मोह मारता है जिस जिसने प्रेम किया जिन प्रेम की ओन ही प्रोपायोसन कवि जिसने प्रेम किया उसने प्रभु को पा लिया और जिसने प्रेम नहीं किया वो सभी क्रास में घुसा ही नहीं इसका नाम निकलता है कि वो कुछ भी प्राप्त करने वाला नहीं तो प्रेम जो है प्रेम सिर्फ प्रेम की खातर है निष्काम है शुद्ध है कोई वासना नहीं है कोई इच्छा नहीं है कोई आग्रह नहीं है प्रेम बिल्कुल इस मामले में स्वतंत्र है निष्काम है शुद्ध है दिव्य है चिन्मय है वासना नहीं है कोई वासना नहीं कोई इच्छा नहीं कोई आग्रह भी नहीं प्रेम मेरा स्वरूप है मैं प्रेम अथा प्रेम के सागर का एकांश हूँ प्रेम मेरा स्वरूप आत्मा का स्वरूप है प्रेम प्रेम आत्मा का स्वरूप है प्रेम समर्पण है प्रेम समर्पण है जैसे जैसे हाथ को जिंदा रखने के लिए भोजन पूरे शरीर को जाता है पूरा शरीर पर पलता है तब हाथ में ताकत आती हाथ फिर कमाने लायक होता है तो प्रेम अपने शरीर के सारे अंगों को समर्पित होकर के भोजन देता है जिससे हाथ फिर काम पैर फिर काम करने लायक होते हैं इसलिए प्रेम जो है समर्पण मानता है प्रेम में कोई शिकायत नहीं प्रेम जो होता है उसमें कोई शिकायत किसी कोई शिकवा कोई गिला कोई शिकायत नहीं होती प्रेम में जो हो जाता है उसको स्वीकार भाव से ले लिया जाता है प्रेम कोई बंदिष्ट नहीं प्रेम कोई बंधन नहीं संसारी प्रेम बंधन डालता है कि तुम मेरे पीछे बिना कहाँ चली गई तुम इतना खर्चा मेरे पूछे बिना कैसे कराई तुमने मेरे पूछे बिना सब्जी कैसे बना ली तुम मेरे पूछे बिना आज क्यों होटल का प्रोग्राम बना लिया यानी ये जो बंधन है ये बंधन प्रेम में नहीं प्रेम क्षमाशील प्रेम दीनता है प्रेम नम्रता है प्रेम सेवा प्रेम विश्वास है प्रेम श्रद्धा है प्रेम शरणागति है प्रेम समर्पण यानी प्रेम ऐसे दिव्य गुणों से भरपूर है जिसने से प्रेम कर लिया उसका कल्याण हो गया इसलिए प्रेम ये मानता है कि क्षमा करो और भूल जाओ किसी की निंदा चुगली मत करो प्रेम में किसी को दुख मत दो किसी भी दूसरे को दुख मत दो क्योंकि जो तुम्हारे दिल में है जो जो ईश्वर तुम्हारे अंदर है जो तुम्हारे हृदय का विषय है वही वही परमात्मा सभी विषयों के सभी हृदयों का विषय है परिणाम यह किसी दूसरे को तकलीफ और कष्ट मत प्रेम संतोष है स्वीकार भाव है प्रेम बाहर से नहीं अंदर से प्रेम कोई आसानी की टैब खोली और पाइन चलना शुरू हो गया प्रेम अंदर से विषय हार्स यहां से आता है और जब तक हृदय सरकार तब तक प्रेम नहीं होता प्रेम में माधुर्य है, प्रेम और प्रेम में मरना होता है प्रेम में अहंकार छोड़ना होता है बिना मरे प्रेम हो नहीं सकता प्रेम मात्र कहने से नहीं मरने से होता है प्रेम की रीति न्यारी गोविंद राधे बातों से होती ना प्रीति बता दे कृपालु जी महाराज राधा गोविंद गीत में और देखें प्रेम को डिफाइन करने वाले श्री नारद जो भगवान का अवतार हैं उन्होंने प्रेम के बारे में क्या कहा प्रेम कैसे डिफाइन किया हमारा अनुभव अलौकिक ना सही लेकिन नारद जी ने जो भक्ति सूत्र में बावनवा श्लोक बावनवा मंत्र दिया वहां उन्होंने फरमाया अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम ये प्रेम का स्वरूप जो है अनिर्वचनीय है उसे कहा नहीं जा सकता क्योंकि प्रेम इंद्रियों से परे है इंद्रियों का विषय जो है आंख देखती है कान सुनता है नाक सूंखता है दीवा रस लेती है और त्वचा स्पर्श करती है वाणी बोलती है पैर चलते हैं हाथ काम करते हैं बुरा निष्कासन करता है और जी अपना काम करती है प्रणाम ये सारी इंद्रियां जो हैं, उनका विश्व जो है वो सुख है उससे परे है प्रेम और प्रेम जो है वहां पर वाणी और मन नहीं जा सकते नहीं। प्रेम में वाणी और मन क्योंकि हम जो डिफाइन करेंगे शब्दों में करेंगे और शब्द जो हैं उनके अंदर केवल रस को बयान करने की क्षमता तो है जो उन्होंने अनुभव किया है प्रेम को नहीं बयान कर सकते तो प्रेम जो है उसके बारे कहा हमारे ते, उपनिषद की दूसरी वल्ली का चौथा और अनुवाक है जतो वाचो जतो वाचो जहां पर वाणी वाणी लौट करा जाती है जहां वाणी अपना असर नहीं रखती वो है प्रेम यही मंत्र उपनिषद में भी है सर्वोपनिषद में भी है और शांडिल्य उपनिषद में भी है कि ये तो बात वर्तन्ते कि जो जहां तक वाणी नहीं पहुंच सकती वो प्रेम का स्तर है प्रेम के समान कोई पदार्थ है ही नहीं प्रेम जो है निजी इंद्रियों से परे का विषय है और प्रेम जो है इसके बारे में नाराज फिर एक जगह लिखते हैं कि जो इष्ट के प्रति भूख है जो इष्ट के प्रति भूख है और भूख लगातार उठे वह प्रेम है और प्रेम क्या है मुंह का स्वादन यानी प्रेम जो है मुंह का स्वादन वत् वो प्रेम जो है मूक है उसका स्वाद क्या है कोई ना समझ सकता है ना कोई समझा सकता है ना कोई समझ सकता है ना समझा सकता है। जैसे गुंगे का गुड़ है घूंगे गुड़ खाया उससे पूछो कि इसका स्वाद कैसा है कुछ नहीं बताता सिवाय बगले हिलाने कुछ नहीं हम पूछते हैं रसगुल्ले जैसा है नहीं बता सकता गुलाब जामुन जैसा है नहीं रस मलाई जैसा है नहीं बता सकता तो बताओ कैसा है हम तो नीम के कीड़े हमें पता नहीं क्या है तुम तो बताओ क्या है पर वो बता नहीं सकता कि अकथ्य कहानी प्रेम की इसे समझा नहीं सकता कोई मैं आगे फिर जाकर के उसको डिस्कस करता हूँ तो मुका स्वादन हम मूक स्वाद है जिसको आप कह फेस पर खुशी है पर बोल नहीं सकता क्योंकि जब तक बोला जा रहा है तब तक प्रेम नहीं है जब तक बोला जा रहा है तब तक प्रेम नहीं है जब डूब गया वह प्रेम है जो डूब गया वो क्या बताएगा जब तक जब तक वो ऊपर ऊपर है बोल रहा है तब तो तक नीचे का स्वाद चखा ही नहीं है तो जब नीचे गया ही नहीं तो कैसे बताएगा प्रेम क्या होता है तो जब तक बोला जा रहा है वो प्रेम नहीं है क्योंकि प्रेम तो जब डूब गए तभी प्रेम जब तक बोला जा रहा है इसे प्रेम नहीं कहते जब डूब गया वह प्रेम है यही डूबे सोई भले तरे तरे से नाही जो डूब गया वो ही जानते हैं जो तर रहे हैं ऊपर वो नहीं जानते एक शेर किसी संत ने कहा डूबने वाले को जब मैंने दिया साहिल में हाथ डूबने वाले को जब मैंने दिया साहिल पे हाथ वे भी मुझको डूबने का मशुरा देने लगे यानी जो डूबने वाला था उसको जब मैंने हाथ पकड़ाया कि आ निकल आ तो वो मुझे डूबने का ही मशुरा देने लगे क्योंकि डूब इसमें डूबेगा तो तुझे पता लगे क्या होता है डूबने वाले को जब मैंने दिया साहिल पे हाथ वे भी मुझको डूबने का मशुरा देने लगे संत कबीर भी कहते हैं जिन खोजा तिन पाया गहरे पानी पैठ मैं बपरा दरा रहा किनारे पैठ कि मैं जो डूब गया उसने पा लिया डूबे सो बोले नहीं बोले अनजान बोले डूबे सो बोले नहीं बोले अनजान गहरो प्रेम समुद्र का डूबे चतुर सुजान यानी जो डूबता है वो बोल नहीं सकता जो बोलेगा वो अनजान है चूंकि उसने अभी उसका स्वास्थ्य चखा ही नहीं तो संत कहते खुसरो दरिया प्रेम का दरिया प्रेम का वाकई उल्टी धार जो उतरा डूब गया जो डूबा उसका जो उतर गया वो डूब गया और जो डूबा वो तिर गया तो ऐसा है प्रेम आध्यात्मिक तो जो नारद जी ने भक्ति सूत्र में सबसे अच्छा जो ग्रंथ भक्ति पर है वो भक्ति सूत्र नारद जी का नारद जी ने लिखा है कि प्रेम क्या है गुण रहितम गुण रहितम कामना रहितम सूक्षम तरम प्रतिक्षण वर्धमानम है प्रेम यानी प्रेम के पांच उन्होंने गुण बताए नंबर वन गुण रहित दूसरा कामना रहित तीसरा सूक्ष्म और चौथा प्रतिक्षण वर्धमानम और पांचवा अनुभव रूपम पहला है गुण जो प्रेम है वो गुण रहित होता है संसारिक मोह की बात या आध्यात्मिक प्रेम की बात चल रही है गुण रहित होता है राजा ने योग माला को देखा बहुत सुंदर लड़की थी यावना थी राजा ने उसके पिता से कहा कि इस लड़की को मुझे दे दो मैं अपनी रानी बनाऊंगा इसी बीच पिता पहले जवाब देते से पहले लड़की बोल उठी राजन आप एक माह के बाद आइए उसके बाद स्वीकार कर लीजिए राजा ने कहा ठीक है एक माह तक कुछ नहीं राजा ने पता लगाया इसी बीच क्या हुआ लड़की चूंकि योग जानती थी और बहुत कुछ समझती थी उसने अपने आप को योग से इस कदर इस कदर हल्का कर लिया लगातार दलिया दाल खा करके लगातार बीमार रह करके उसने अपना स्वरूप एक महीने में ऐसा बदल दिया कि अपने स्वरूप को उसने बेकार कर लिया और उसके बाद एक माह जब खत्म हो गया अपना उसने शरीर गला दिया एक माह बाद जब राजा आया उसने कहा आपने क्या फैसला किया है लड़की का पिता बोला हाँ राजन आपका मना आपको मना कर आप ले लीजिए इसकी शादी इसके साथ हाँ कर लीजिए राजा ने कहा उसे बुला जब लड़की को बुलाया तो यो माला जब सामने आई तो देख राजा हैरान हो गया ये लड़की नहीं वो लड़की चाहिए जिसको मैंने उस दिन देखा था बोले ये वही लड़की है बोले यह लड़की कैसे हो सकती है वो यमुना थी आकर्षक थी सुंदर थी लवली थी ये तो इसका तो चेहरा उतर गया है चेहरे पे झुर्रिया हैं और सारे हाथ पैर ढीले हो गए हैं ये लड़की मुझे नहीं चाहिए भाव यह है कि जो गुण से प्रेम होता है वो तो गुण खत्म हो गया तो प्रेम खत्म आकर्षण खत्म हो गया धन था, धन था 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 चला 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 गया 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 बल बल आकर्षण था आकर्षण खत्म हो गया बाहुबल था बाहुबल खत्म हो गया विद्या थी वो खत्म हो गई क्योंकि किसी तरह से उसे डिप्रेशन में जाना पड़ रहा है परिणाम इसका यह हुआ कि गुण जब खत्म हो गया तो प्रेम खत्म हो गया तो जो प्रेम खत्म हो जाता तो है ऐसा प्रेम नहीं चाहिए तो वो प्रेम नहीं हो सकता मोह तो हो सकता है शरीर के प्रति आकर्षण हो सकता है धन के प्रति हो सकता है पर उसको हम किसी भी तरह से प्रेम का नाम नहीं दे सकते तो पहला है गुण प्रेम की पहली परिभाषा पहली विशेषता है कि तो गुणों के बिना स्वीकार करना होगा प्रभु के क्या गुण हैं? हमें पता नहीं क्या है जो भी है हम प्रभु से प्रेम करते हैं जी हमारा इष्ट है इष्ट के प्रति जो प्रेम होता है उसके प्रति ऐसी कोई बात देखी नहीं जाती दूसरा कामना रहितम प्रेम कामना के बिना है कामना नहीं पूरी हुई तो प्रेम खत्म हो गया स्वास्थ्य पूरा नहीं हुआ तो प्रेम खत्म हो गया और एक दिन ऐसा प्रेम जीव को नास्तिक बना देगा लगातार ईष्वर से कामनाएं करते रहे प्रभु मेरे यहाँ संतान हो जाए मेरे संतान हो जाए संतान हो जाए नहीं हुई तो नकारा बना देगा लड़का हो जाए लड़का हो जाए पहले चार लड़कियां की बार लड़का हो जाए फिर पांचवी लड़की होगी तो प्रेम तो प्रति वो नास्तिक हो जाएगा ईश्वर प्रति नास्तिक हो जाएगा जब कामना पूर्णि होगी तो कामना स्वार्थ है लेना लेना है और जब लेना लेना पूरा नहीं हुआ तो प्रभु पर से विश्वास उठना शुरू हो जाता है तो कामना छोड़ दी जाए तो जीव ब्रह्म हो जाएगा कामना करना मनुष्य का स्वभाव है और ये स्वभाव अगर कामना करनी है तो कामना ऐसी हो जैसे गोस्वामी तुलिस कहते हैं कि कामी प्यारी प्रियम दाम ऐसे ही प्रेलाघु मुही मेरे भगवान ऐ मेरे राम मुझे ऐसे प्यारे हो जैसे कामनी जैसे दामनी को दाम प्यारा होता है लोभी को अपना लोभ प्यारा होता है नारी को नारी के प्रति कामी होता है ऐसे ही प्रभु मुझे अच्छे लगो ऐसी कामना तो ईश्वर के प्रति ले जाए लेकिन और कोई कामना करना जो है वो इसमें प्रेम में वर्जित है वो सब वो बाधक है साधक नहीं तीसरे प्रेम प्रतिक्षण वर्धमान होना चाहिए बढ़ता होना चाहिए प्रेम जो है वो बढ़ता रहे बढ़ता रहे यह, यह प्रेम की तीसरी निशानी होती है क्योंकि संसारी प्रेम जो है वो कई कारणों से घटता चला जाता है सुबह परछाई लंबी होती है दोपहर तक वो छोटी हो जाती है और प्रेमी जो है सवेरे शुरू में बड़ा प्रेम दिखाता है प्रेम करता है पर जो जो उसकी कमजोरियां सामने आती जाती हैं, दूसरे पक्षी की तो, तो प्रेम जो है हल्का होता चला जाता है निरंतर वो प्रेम जो है वो घटता जाता है तो प्रेम प्रति क्षण हो इस संबंध में बुल्ले शाह कहते हैं रांझा रांझा करते करते मैं खुद ही रझा हूँ तू तू करता तो भी मुझ में रही वारी फेरी बल गई जिद ए प्रभु तुझे देखते देखते तुझे, तुझे मैं तू तु हो गया हूँ लाली मेरे लाल की जिद देखू लाल लाली देख मैं गई मैं भी हो गई लाल यानी ये जो भाव है लगातार प्रेम बढ़ते हर वक्त ईश्वर चिंतन करते रहना सत्संग और सेवा और सुमिरन इसमें इसमें इस मददगार हैं प्रेम के लगातार बढ़ने में अच्छा संग मिल जाना संतों का संग मिल जाना संतों के साथ बैठ के सत्संग करना उनसे ईश्वर के लीलाओं का अध्ययन करना सुनना श्रवण करना ये सब प्रेम को बढ़ाने के लिए चीजें अच्छी रहती हैं इसीलिए रविदास जी कहते हैं कि रविदास मद्रा का पीजिए जो चढ़ी चढ़ी उतराए रविदास कहते हैं कि ऐसी मद्रा क्या पिए जो चढ़ चढ़ कूद-उतर जाती है रविदास मद्रा का पीजिए जो चढ़ी चढ़ी उतराए नाम महारस दिए जो चढ़े ना उतराए जो एक बार चढ़ गया नाम महारस दिए चढ़े ना उतराए एक बार चढ़ गया वो गुरु नानक कहते हैं पोस्ट भंग अफीम मत नशे हैं सारे पोस्ट भी भंग भी अफीम भी पोस्ट मद अफीम पोस्ट भंग मत पुत्र जान प्रभात नाम नान का चढ़ी रहे ऐसी ऐसा जो, जो शेख है ऐसा जो शेख है कृष्ण नाम में घोला जाए फूलों का जवाब कृष्ण नाम में घोला जाए फूलों का श्वाब उस पे फिर मिलाई जाए स्मरण बेहिसाब होगा यूं, यूं चिरा जो त्यार वो प्यार है वो प्यार है, प्यार है प्यार वो करता बेड़ा पार बेड़ा पार बेड़ा तो इस तरह के जो प्रतिशत है, वो प्रेम है प्रेम कम नहीं होता प्रेम बढ़ता चला जाता है चौथे प्रेम सूक्ष्म तर है सूक्ष्म तरम प्रेम, प्रेम प्रेम सूक्ष्म तर है यह इंद्रियों का विषय नहीं है मन बुद्धि का विषय भी नहीं है यह सूक्ष्म आत्मा का विषय हृदय का विषय है और सूक्ष्म आत्मा का विषय होने के नाते यह सूक्ष्म ही सूक्ष्म है इसका इसका कोई हरि व्यापक प्रेम से प्रकट उसको प्रेम से पाया जा सकता है सूक्ष्म तत्व की जो गम है जो पहुंच है वो केवल सूक्ष्म आत्मा ही है प्रेम सूक्ष्म है स्थूल नहीं है दिखाया जाने का विषय नहीं है कितना प्रेम है कितना प्रेम है इसकी इसकी गहराई को लंबाई चौड़ाई को नापना क्योंकि लड़ाई चौड़ाई और इसकी गंभीरता को इसकी लंबाई इत्यादि को नापा जाता डायमेंशन को नापा जाता है किसी भौतिक चीज की लेकिन जो प्रेम है ये भाव एक ऐसा है इस भाव को कोई नाप नहीं सकता प्रेम सूक्ष्म है सूक्ष्म सूक्षमतम यह सूक्षम तम, तम राधर है इससे आगे कोई प्रेम के आगे ये भूमा है प्रेम का कुछ भी पांचवा प्रेम अनुभव रूप है नारद कहते हैं प्रेम अनुभव रूप है अनुभव रूप का मतलब होता है कि प्रेम जो है यह सीखने पढ़ने से नहीं आता यह अनुभव का विषय है जिसने अनुभव किया वो ही केवल जानता है प्रेम क्या है पार ब्रह्म के तेज का कैसा है अनुमान कहे बे की शोभा नहीं देखो ही परमान संत कबीर कहते हैं कि यह जो तेज परमात्मा का है इसको कहने का विषय नहीं है क्योंकि ये कसनी में आता ही नहीं वाणी वहां तक मतलब पहुंचती नहीं है वातन तो यथो तो, यथो तो वाचो निर्वातन के वहां तक वाणी पहुंचती नहीं है और कैसे बता सकता है कि पार्वन का तेज कैसा होता है ये अपना अपना विषय है अपने 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 अनुभव का विषय है गोंगे गुड़ खाया पूछो तो क्या कहिए अरे कबीर कहते हैं गोंगे ने गुड़ खाया तो पूछोगे तो क्या ने गुड़ खाया पूछे तो क्या कहिए अरे कबीर मन मस्त हुआ तब क्या बोले मन मस्त हुआ तब क्या बोले हीरा पाए गाठारे बाको बा बार बार बाको क्या खोले हल्की चीज तराजू पूरी भर पर क्यों क्या बोले हंसा पाया मानसरोवर ताल त्रिया क्या डोले कह तबीर रे, सुनो रे, संतोष साहब मिल गया तिल ओले शरीर के अंदर रह करके मुझे मेरे साहद की पहचान हो गई है मुझे आत्मस्वरूप का ज्ञान हो गया है, है इसलिए मैं अब इसको कैसे जान सकता संत भीखा कहते हैं भीखा बात अगम की कहन सुन की ना भीखा बात अगम की ईश्वर के प्रेम की बात भीखा बात अगम की कहन सुन की नाहीं जो जाने सो कहे नहीं जो जो सो कहत जो सो जानत ना कहता वो है जो जानता नहीं भीखा बात अगम की कहन सुन की नाही जो जाने सो कहे नहीं कहे सो जानत नहीं जो कहता है वो जानता नहीं जो जानता वो कह नहीं सकता इसी में लगातार डूब जाता है अकथक कहानी प्रेम की कुछ कही अकथक कहानी प्रेम की कछु कही ना जाए गूंगे के सरकरा जो बैठे मस्क जैसे गूंगा गुड़ खा लेता है वो उसको बयान नहीं कर सकता इसलिए जो है ये लगातार लगातार बढ़ता हुआ प्रेम जो है यह अनुभव है और अनुभव को लगातार कोई बता नहीं सकता कुछ विशेषताएं बताता हूं प्रेम की कि भगवान पूर्ण है पूर्ण मदा पूर्ण मदात पूर्ण पुनस्त पूर्ण मदय पूर्ण शिष्यति ईश्वर पूर्ण है इसके बनाई हुई हर सृष्टि का चीज पूर्ण है जैसे मैंने पहली दफा कहा था के माता पूर्ण है उसकी बारह संतानें हैं बारह की बारह पूर्ण है उसके बावजूद फिर पूर्ण की पूर्ण है ईश्वर पूर्ण है संसार को बनाकर भी ईश्वर अधूरा नहीं होता ईश्वर पूर्ण का पूर्ण है ईश्वर पूर्ण है परंतु प्रेम के भूखे प्रेम के सागर हैं पर फिर भी प्रेम के भूखे हैं और प्रेम के भूखे किस तरह से हैं एक काकी व्रत अपनिषद में एक चार तीन में कहा गया एकाकी न रंग थे ईश्वर ने अपने को एकाकी पाया अकेले पाया तो संसार को बनाने की संकल्प की। तो इसी तरह से राधा का अपने उपनिषद में लिखा हुआ है कि श्री जी जो है वो वो प्रेम के कारण कृष्ण ने अलग किए श्री जी को श्री जी को यही राधा को कृष्ण ने प्रेम कारण अलग किया ताकि आपस में मिलकर के आनंद लीला की जा सके तो राधा तो आप क्षेत्र में लिखा हुआ है ये राधा ये राधा यश जय कृष्ण जो राधा है वही कृष्ण है कृष्ण और राधा दो अलग नहीं बल्कि एक ही तत्व के दो हिस्से किए गए स्वयं कृष्ण ने अपने अपने अलग किया ताकि उससे प्रेम लीला की जा सके और संसार के आगे कुछ ना कुछ रखा जा सके तो ईश्वर पूर्ण है लेकिन प्रेम के भूखे दूसरा प्रेम ईश्वरीय है दिव्य है चिन्मय है सदागरी नहीं तीसरे प्रेम निर्भय होता है क्योंकि प्रेम कोई दंड या वरदान नहीं देता जो प्रेम है वो ईश्वरीय निर्भय होता है किसी प्रेम या दंड से या वरदान से डरता नहीं प्रेम सदैव सर्वोच्च आदर्श है प्रेम जैसा आदर्श जो है ये सदैव सर्वोच्च है प्रेम परमात्मा है परमात्मा प्रेम का दूसरा नाम है प्रेम आनंद है सुखद अनुभूति है जो मदहोश कर देती है कर देता है ज्ञान ध्यान सत्संग सेवा प्रेम को निखारते हैं दिव्य बनाते हैं ध्यान रहे कि ज्ञान ध्यान सत्संग सेवा स्मरण प्रेम को निखारते हैं इस दिव्य बनाते हैं प्रेम में राग नहीं द्वेष नहीं अहंकार नहीं अधिकार नहीं प्रेम में राग नहीं द्वेष नहीं अधिकार अहंकार नहीं अधिकार नहीं स्वार्थ नहीं खुद गर्जी नहीं प्रेम बिल्कुल निष्काम निष्काम प्रेम है ही प्रेम। शे, कहते हैं, फ्रीदा गली या चिक्कड़ दूर घर नाल प्यारे ने कि मेरा गुरु के साथ प्रेम है परमात्मा प्रेम है लेकिन लेकिन गली में कीचड़ भरा हुआ है और घर परमात्मा का दूर है मैं कैसे जाऊं फरीदा गली चिक्कड़ यानी आप देखिए प्रेम की सीमा ये ये सूफी संत फरीद फरीद शेख कहते हैं फरीदा गली चिक्कड़ चिक्कड़ पंजाबी टोन में बोलते थे पंजाब में ही मुल्तान में पैदा हुए पले बड़े फरीदा गली या चिक्क् दूर घर नाल प्यारे नेह चल रहा था भिज्जे कंबली रहा था टुकटे ने अगर मैं चलता हूं तो मेरी कम्बल भीगता है सर्दी का मौसम है रुकता है, तो मेरा नेह टूटता है चल रहा था रुक के चलना था कंगली, कंगली रहा था भिजे कंबली रहा था टुट्टे ने फिर फैसला लिया कम्बली अल्लाह बरसे में चाहे भीग जाए जाए छिजे कम्बली अल्लाह में जाए मिला छजना टुटे नाही शेख फरीद कहते हैं टूटे नाही ने कि मैं अपने मैं अपने इश्क से मिलने के लिए जरूर जाऊंगी चाहे आत्मा कह रही है मैं अपने इश्क को मिलने जरूर जाऊंगा चाहे बेशक मेरा मेरा कम्बल छिज जाए फट जाए कुछ भी हो जाए अल्लाह कितना भी पार्स पर से मैं जाऊं तो फरीदा शक्कर खंड यानी शक्कर चीनी और गुड़ इन सब के बराबर फरीदा शक्कर खंड निवात गुड़ माखियों दूध सभ्य वस्तुओं मिठियां पर रब ना पुजे तो यानी ये सब मीठी हैं यानी शहद भी दूध भी और गुड़ भी, भी, भी खांड भी लेकिन ईश्वर जैसा जो है प्रेम इन सब में नहीं मिठास इन सब में कहीं पर नहीं है तो शक्कर खंड निवास गुड़ माखियों वस्तु मिठिया पर रब न पुजे तुध अज न सुतीज न सुती कंत सि अंग मुड़े मुड़ जाए जाओ पुछो दुहागनी कि तुम क्या है कैसे रात बताए यानी मैं वो कहते हैं कि अगर ईश्वर से नेह टूटता है तो कैसे मेरा दिन पार होगा कैसे रात पार होगी जाओ पूछो उन लोगों से जो अपने पति से अपने प्रियन से बहुत दूर हैं तो वास्तव में प्रेम में पूर्णता भी है अभाव भी नित्य ग्रह यानी प्रेम के दो तट दो तट हैं दो किनारे हैं नित्य विरह भी है नित्य विनार मिलन भी रोज विरह करना उसके बाद नित्य मिलन करना यानी जैसे कोई धनी व्यक्ति होता है ना धनी व्यक्ति के पास तीन चीजें होती हैं धन है दूसरा धन का नशा है अहंकार तीसरा धन और आने और आए और आई इच्छा भी धनी के पास तीन चीजें होती हैं धन है धन के धन का नशा भी है और धन और इच्छा भी है संसारी क्षेत्र में इधर आध्यात्मिक क्षेत्र में जो प्रेमी है उसका प्रेम है प्रेम का नशा भी है और प्रेम और आए ये अभिलाषा भी है तो तीनों बातें यानी प्रेमी जो है जो भक्त है प्रेमी को भक्त भी कहते हैं जो प्रेम है उसमें तीनों चीजें होती हैं वो जिसमें धन धन का नशा और धन आए वो संसार है जिसमें प्रेम है प्रेम का नशा है और प्रेम और आए ये जो है ये अध्यात्म है तो प्रेम निर्वाचनी है इसलिए क्योंकि प्रेम में पूर्णता भी है और भाव भी सत्संग में नित्य प्रति जो लोग साधकों का जाते हैं उन साधकों का अनुभव है कि प्रतिदिन सत्संग सुनने में नया रस मिलता है शर्त यह है कि सत्संग सुनने की सुनने की कला आती हो जो बोल रहा है उसको आंख लगा के टका टकी लगा के देखते रहो अगर उसकी ओर से ध्यान हट गया तो संसार में मन चला जाएगा और जाते ही उसके बाद ये रजोगुण हो गया संसार में चला जाएगा उसके बाद तमोगुण निद्रा आ जाएगी तो जो लोग साधक जाते हैं सत्संग में सत्संग श्रवण करते हैं वो जानते हैं कि प्रतिदिन नया रस मिलता है और यही बात गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि राम चित्र जो सुनत अगाही रामचरित जो सुनत अगाही रस विशेष जाना तिन्ना उत्तरकांड त्रेपन ए जो राम का चिरत सुनते हुए अगाते हैं जो रामचरित्रामचरित्र राम का सुन, राम चित्र सुनते हुए प्रेम लीलाएं सुनते हुए अघाते रहते हैं वो तम में चले जाते हैं उन्होंने विशेष अभी तक जाना ही नहीं। ऐसे ही कहा जाता है कि जीवन मुक्त महामुनिजे जीवन मुक्त महामुनिजे हरिगुण सुन ही निरंतर तेव जो बड़े बड़े महामुनि हैं जो संत महात्मा हैं, सन्यासी हैं जो जीवन मुक्त हो गए हैं जिंदा जी रह करके जिन्होंने मोक्ष पा लिया है वो गुण सुनते हुए निरंतर निरंतर खुशी होते सुख होते रहते हैं वो कभी कभी घबराते नहीं कभी इस बात से पीछे नहीं हटते हैं इसी तरह से फिर एक दफा बुल्ले शाह कहते हैं इश्क दिन नमी और नमी नम्य बहार जो इश्क है इश्क के प्रति उसकी बहार नहीं है रोज की रोज कर, कोई बासी नहीं हो इश्क दिन नमे और नमी नम्य बहार बुल्ला हंदा चुप बथेरा बुल्ला होंदा चुप बथेरा इश्क करेंदा मारो मार इश्क नमीओ नमी यानी इश्क की बहार रोज नहीं है कि बुल्ला बहुत चुप होने की कोशिश करता है बुल्ला हूंदा चुप बथेरा बहुत कोशिश करता है चुप हो जाऊं पर इश्क करेंदा मारो मार इश्क जो है वो मारो मार करता है लगातार उत्साहित करता है कि ईश्वर को मुड़ ईश्वर में और मुड़ यानी वास्तव में ऐसा जो प्रेम है जहां पुरता भी है और अभाव भी है पूर्णता भी और अभाव भी है इस प्रेम को ना वर्णन किया जा सकता है नोपण किया जा सकता है ये प्रेम की अनिर्वचनीयता है प्रेम को वर्णन करना बड़ा कठिन है मोह को वर्णन किया जा सकता है प्रेम अवर्णनीय है प्रेम अनुरूपणीय है प्रेम अवर्चनीय है अनिर्वचनीय है प्रेम जो है प्रेम है प्रेम के लिए कोई और शब्द नहीं है प्रेम हृदय की बात है मन बुद्धि की बात तर्क की बात नहीं है जिसने प्रेम किया है वही प्रेम का अनुभव जान पाया है बहुत बहुत धन्यवाद सभी संतों को नमस्कार धन्यवाद <laughs> आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर आर के साहब आज तो अपने प्रेम पे पूरी पीएचडी कर दिया सर, यानी कि <laughs> कोई चीज बची नहीं इसमें और वैसे कहते हैं प्रेम की एक ही डेफिनेशन है कि तेरा मजबूर कर देना और मेरा मजबूर हो जाना बहुत सुंदर सुंदर तेरा मजबूर करना मेरा मजबूर हो जाना। जाते चलिए अब हमने अनम्यूट कर दिया है जिस किसी की कोई जिज्ञासा हो संबंध में तो पूछ सकते हैं ये मेरा सौभाग्य है कि आज की इस सभा में मैं शामिल हो पाई और मेरे जो क्षण यहाँ बीते हैं वो वास्तव में सार्थक बीते हैं क्योंकि मैं सत्संग में ही रहती हूँ वृद्धाश्रम से जुड़ी हुई हूँ पिछले बीस वर्षों से और वहां जाके मैं नित्य प्रति रोज ढाई तीन घंटे वहां देती हूँ प्रवचन भी करती हूँ और साथ में भक्ति में उन्हें पकाती हूं, और उनसे अनुभव अनुभव उनके अनुभाव से अपने जीवन को धन्य कर रही हूँ उनका सभी का आशीर्वाद मेरा भी आशीर्वाद आप सभी मेरे गुरु भाइयों के ऊपर है और गुरु बहनों पर भी है ऐसी मैं कामना करती हूँ आज जो मैंने आपसे ज्ञान लिया है निस्संदेह इसमें मेरे पास तो अल्फाज नहीं है कि मैं इस पर टिप्पणी कर आई आम स्पीचलेस ये शब्दातीत अवस्था है ये शब्दों से परे है मेरे पास वो कमेंट नहीं है जो मैं इस पर टिप्पणी कर सकूं इतना सुंदर ज्ञान कालरा साहब आपने दिया कि मैं सुन सुनकर वास्तव में बात जब अनुभूति पर उतरेगी तो क्या समझते हैं वो खाई जाए खा ली जाएगी कभी नहीं उसकी अभिव्यक्ति करने के लिए मन ललायित होता है इसीलिए मैं दो शब्द बोलती है इसके लिए भी समझी यदि आपकी अनुमति हो तो दो लाइने में गुनगुना करके प्रेम या अपनी एक अभिलाषा प्रभु के सामने हम सबकी है उस पर एक दो लाइने गीत गा सकती हूँ जी आपकी अनुमति हो जी जी स्वागत है स्वागत है थैंक यू तू ही प्रेम है मेरे प्रभु हमें प्रेम से भर दे प्रभु तेरा प्रेम मैं जग में फैलाऊ ऐसा अनुग्रह पाऊ सदा तू ही करुणा है मेरे प्रभु हमें करुणा से भर दे प्रभु तेरी करुणा मैं जग में फैलाऊ ऐसा अनुग्रह पाओ सदा तू ही शांति है मेरे प्रभु हमें शांति से भर दे प्रभु तेरी शांति मैं जग में फैलाऊ ऐसा अनुग्रह पाऊ सदा तू ही क्षमा है मेरे प्रभु हमें क्षमा से भर दे प्रभु तेरी क्षमा मैं जग में फैलाऊ ऐसा अनुग्रह पाऊ सदा तू ही प्रेम है मेरे प्रभु बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आपने मुझे इतना समय दिया, आज मेरा कितने दिन से मैं आश्रम नहीं जा पा रही हूँ आज मेरी बहुत तृप्ति मिली इस सत्संग को पा करके और मैं अश्विनी जी ने आज मुझे फोन करा था और मुझे अपने आपके ग्रुप में शामिल किया मेरे पास प्रभु को धन्यवाद करने के लिए भी अल्फाज नहीं है मेरे पास वो जीवा नहीं है कि मैं उसकी महिमा का गुणगान कर पाऊं दर्शन हुए जीवन निहाल हो गया और मैं जुड़ी रहा बहुत अच्छा आपने ज्वाइन किया आते रहिएगा जरूर जी आप हाथ जोड़ रहे हैं मैं आपके चरणों में सभी गुरु भाइयों के चरणों में, में मेरी ओर से कोटि कोटि प्रणाम सहस्त्र कोटि कोटि प्रणाम नमस्कार प्यार भले ही कर ले कोई प्यार भले ही कर ले कोई उसे निभाए तो मैं जानू निश्चल सागर के ऊपर कोई नैया खेवता है पर तूफानी नदिया में पार लगाए तो मैं जानू जी 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 बहुत सुंदर देखिए उषा जी एक जो मुख्य बात है प्रेम प्रेम इस पावन धरा का प्राण है श्रृंगार है प्रेम ही परमात्मा है प्रेम ही संसार है प्रेम ना हो तो समझिए जिंदगी कुछ भी नहीं क्योंकि प्रेम ही इंसान का सबसे बड़ा आधार है बिल्कुल इससे बिल्कुल कोई नहीं है बिल्कुल बिल्कुल यह है अब मैं यदि और किसी का को कोई उद्बोधन हो तो ठीक है अदरवाइज फिर हमारे जरूरी है जी 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 ना होता में तो आप और हम यहाँ ना होते जी 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 आदरणीय अश्विनी कुमार से निवेदन है कि दो सब धन्यवाद जी जी मेरा फिर से बहुत बहुत सौभाग्य कि मैं कुछ समेशन करूं जो कालरा साहब ने कहा है हालांकि सम करना तो बहुत ही मुश्किल है पर फिर भी मैं थोड़े बहुत पॉइंट बीच में से उठाऊंगा जैसे इन्होंने कहा प्यार के बिना कुछ नहीं चलेगा और बहुत ही सच बात है बिना प्यार के कुछ नहीं है और इन्होंने लव की परिभाषा दी एल लेक ऑफ ओशियन ऑफ टीयर सर्फियर वी वैली ऑफ डेथ ई एनिमिटी अनलिमिटेड मेरे को एक और बीच में मैंने फिर गूगल किया तो मिली लव इज लॉन्ग लास्टिंग एल ओ इज ऑरिजिनल वी इज वैल्यूबल इज इमोशंस सो सो ये एक परिभाषा लव की मिली जो आपके व्याख्यान से काफी जुड़ गई है जातन से जुड़ती <laughs> <laughs> फिर आध्यात्मिक प्रेम और सांसारिक प्रेम लौकिक अलौकिक इतनी परिभाषाएं थी कि एकदम जहन में बैठ गए कि प्रेम के बिना कुछ नहीं और मोह है मोह तो मोह माया ही है वो जब तक दोनों तरफ का ना हो वो ना हो तो उसकी कोई आगे चलता ही नहीं है प्रेम दिल का विषय है मोह के मोह में संबंध होना जरूरी है नारद जी की कई एग्जाम्पल दी प्रेम में एक मुख संवाद है ईश्वर पूर्ण है और पर प्रेम के भूखे हैं है। ये सबसे बड़ी चीज है ईश्वर स्वयं पूर्ण है पर प्रेम के भूखे हैं ईश्वरी के सारे ही प्रेम के भूखे हैं पर इसके लिए फिर मेरे को तीन चार पंक्तियां याद आई जो एक भजन में चलती हैं कौन कहता है भगवान खाते नहीं बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं एक फिर है कौन कहता है भगवान सोते नहीं कोई माँ शारदा यशोदा जैसे सुलाते नहीं एक कौन कहता है भगवान आते नहीं कौन मीरक के जैसे बुलाते नहीं तो ये भगवान सब प्रेम से ही जुड़े हुए हैं और सबसे अच्छी बात है अरविंद जी ने इस सबको यूट्यूब पे टच कर दिया है तो अब यूट्यूब ऐसा हो गया है कि हम व्याख्यान पूरा सुन पाए ना सुन पाए रिविजन करना चाहें तो आप फिर से फिर से सुनते रहिए यूट्यूब पर सारे व्याख्यान अवेलेबल है इस सबके साथ बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद अरविंद जी अब अपना विचार रखिए और आगे चलें धन्यवाद धन्यवाद आदरणीय श्रोताओं सब धन्यवाद आज प्रोफेसर डॉक्टर आरके का साहब आपने समय निकालकर हमको समय दिया और जैसा कि एक विचार के साथ फिर बाद में तांदीपार तीन बार हम लोग का उच्चारण करेंगे उस वक्त में आप सब लोग अनम्यूट कर लीजिएगा और आज का विचार है रिश्तों में आपसी मधुरता रिश्तों में आपसी मधुरता वहीं नष्ट होने लगती है जब एक दूसरे विशेषता कम और कमियां अधिक नजर आने लगती है रिश्तों में आपसी मधुरता वही नष्ट होने लगती है जब एक दूसरे विशेषता कम और कमियां अधिक नजर आने लगती हैं। स्वार्थी इंसान से मित्रता रखोगे स्वार्थी इंसान से मित्रता रखोगे तो वो आपको मजबूर बनाएगा स्वार्थी इंसान से मित्रता रखोगे तो वो आपको मजबूर बनाएगा और सच्चे इंसान से मित्रता रखोगे तो वो आपको मजबूत बनाएगा सच्चे इंसान से मित्रता रखोगे तो आपको मजबूत बनाएगा तो, तो आइए तीन बार का उच्चारण कर लेते हैं हुँ। हुँ। हुँ।